लो जी, अभी हो गया आपके भाई के साथ स्कैम, एक छोटा सा स्कैम हो गया। वो क्या हो गया अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या हो गया। अभी ये पालक यार डाली है रैबिट के लिए, रैबिट्स को पालक डाल देते हैं पहले। यार ये इसने खराब दे दी। आज भी यार खाओ आगे, ये लो वो पड़ी है, वो है उधर जाके खा। और यार हमारे बटेर और हमारे रैबिट्स जो है ना इकट्ठे रह रहे हैं, इसके नाक को क्या हुआ है? मेरा ख्याल है इसने ना मट्टी की खुदाई उदाई की होनी है ना, तो इस वजह से इसके नाक पे लग गई होनी है मट्टी। यार स्कैम क्या हुआ वो मैं आपको बताने लगा हूँ, दिखाता हूँ। इतनी मेहनत मैंने की थी एक काम पे, और वो काम के साथ क्या हुआ है ये देखो जी। हमने डाला था यहाँ पे बुरादा सारा, और बुरादा हो गया ही बिल्कुल। लड़ना नहीं है। मैं भी एक बात कर लूं, जाओ उधर साइड पे। तो यार मैंने यहाँ पे डाला था बुरादा, और ये सारा जो है ना बिल्कुल गीला हो गया। ओए हो, कोई नहीं, गर्मी शर्मी है ठीक रहेगा, खुद ही सेट हो जाएंगे। अभी आप लोग चलो अंदर, आपको डाइट अंदर मिलेगी, बाहर नहीं आना, बाहर खतरा है आपकी जान को। चलो यार मैं इनको जरा अंदर काट लूं, और उसके बाद ना इनको अंदर ही डाइट डालते हैं, क्योंकि वो असील वाला मुर्गा खुला हुआ है, तो ये और ये वाला मुर्गा आपस में लड़ेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि हम इनकी हिफाजत करते हैं, इनको अंदर बंद करते हैं, और इनको अंदर ही डाइट दे देंगे इनके केज में। ये देखो ना इधर आ रहा है इसके पास, ये देखो इन्होंने लड़ना है, इन्होंने एक मिनट नहीं लगाना और इन्होंने लड़ना शुरू कर देना। और वो जो मुर्गी है ना ये अपना काम जो है ना दिखा रही है मुझे। खैर अभी मैं इधर इनको बंद कर लूँ, उसके बाद जो है ना मैं आपसे मिलता हूँ, एक मिनट रुकूंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद तो यही है कि यार आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो यार मैं उन वाले मुर्गों को ना, मुर्गियों और मुर्गे को बंद कर रहा हूँ, उनको डाइट भी अंदर दे रही है। अभी डाइट इनको मैंने डाली है, ये वाली असील मुर्गी और वो वाली असील मुर्गी की, तो तकरीबन जो है ना वो सुलह सफाई हो गई है। अभी इस वाली मुर्गी को खोलते हैं और इसको भी ना बाहर छोड़ते हैं, ये बाहर आ गए इनके साथ डाइट खाए, ताकि इनकी भी हेलो है हो जाए यार। तो फिर हम एक ही केज में ना ये तीनों मुर्गियां और एक मुर्गा छोड़ देंगे इंशाल्लाह। यार आज बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और ये जो है ना सारी दलदल बन गई है यार। देखो ज़रा मिट्टी का ये नुकसान होता है सबसे ज़्यादा। खैर कोई बात नहीं, और इधर ना एक अंडा पड़ा हुआ है यार, ये देखो ज़रा इसके नीचे एक अंडा पड़ा हुआ है, ये किसने दिया कोई पता नहीं है। खैर ये अंडा भी उठा के हम नीचे ले जाएंगे, और इस जी उसने यहाँ पे आके कैसे दे देना, ये किसी असील मुर्गी का अंडा यार, ये नहीं है पता ही कौन सी मुर्गी ने दिया है, ये असील मुर्गी का अंडा। तो अभी जो है ना हम नई वाली मुर्गी को खोलते हैं, खोल तो मैंने दिया है, और इसको ना ऐसे बाहर निकाल देते हैं, ताकि यार ये बाहर आके ना आ जा आराम से खा, आराम से भाग गई है उस साइड पर, भाग गई है। खैर कोई नहीं, इधर आ जाएगी, इनके साथ खाए पिएगी, अभी सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने केज में रखा हुआ था इनकी जान पहचान के लिए ना, आमने सामने घूमे फिरें और इनकी ना जान पहचान हो जाए। ये मुर्गी तो इसके साथ ना मिलने लग गई है, मतलब उस मुर्गी के साथ अब खाती पीती है, उससे डर नहीं रही। ये देखें ना दोनों इकट्ठी खा रही हैं, वो भी इंशाल्लाह इनके साथ ना सेट हो जाएगी इंशाल्लाह, बड़ी उम्मीद है जल्दी से ना ये सेट हो जाएंगे इंशाल्लाह। अभी ना क्या काम करते हैं हम, अपने पिजन्स को खोल लेते हैं। आ जाओ भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो यार ये देख अभी इन्होंने क्या किया हुआ है। और यार मुझे लगता है कि हमारे क्वीन का और कुकू का ना जो दाना ना वो खत्म हुआ है, इनकी डाइट खत्म हुई है। मैं देख लूं अभी साइड पे, वहां जरा ये चिंकी मिंकी भी बाहर आए और पिजन भी बाहर आए सारे। आ जाओ जल्दी से। पता नहीं यार किसका यार, ये मुझे ना उधर ही पड़ा हुआ था एक साइड पे, वो आए। माशाल्लाह जी नहीं रैबिट को नहीं आज निकालना। वो यार चिंकी मिंकी कितना फ्लाई करने लग गए। नहीं अभी किसी को पत्ते नहीं डालने, अभी ये डाइट खा ली यहाँ से। ये देख लो दोनों मुर्गियाँ इकट्ठी फिरने लग गई हैं, अब वो वाली असील वाली और वो जो नई वाली आई है ना, वो जो है ना अभी इनके साथ नहीं घूम फिर रही, डर रही है। ये भी डरती है लेकिन जो है ना इसके साथ फिर भी खाने पीने लग गई है। इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी ये दोनों। ब्लैक वाली अगर दे रही है तो ये खा नहीं ना रही है ना, ये फिर बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर ये ब्लैक वाली मुर्गी अंडे दे रही है और ये खा नहीं रही, ये तो बड़ी अच्छी है। निकाल के गया हूं अंडा, कोई भी नहीं था, नहीं था पड़ा हुआ, फिर ये ब्लैक वाली मुर्गी ने ऊपर अंडा दिया। वो भी मुर्गा नहीं करा यार, तू कितने दिन गायब रहता है, कहाँ पे होता है तू? कहाँ पे जाता पता नहीं, कहाँ पे गायब हो जाता, तो तेरी समझ ही नहीं आती है।
तो यार मोदम साहब आ गए, मोदम साहब आप अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे लें, जरा वो जाके अपना वो जरा काम कर दें आप और उनका पानी शानी चेंज कर दें, तो मैं इनको पालक के छोटे छोटे पीसेस करके डालता हूँ और मुर्गी जो है ना इनके साथ खाती पीती है। देखिए यार माशाल्लाह कितनी कमाल की रौनक लगी हुई है। अभी आपको यार मैंने कॉकटेल वगैरह लवबर्ड तो दिखाए को इन, हाँ सेम कलर है लेकिन वो ऊंची है इससे मुर्गी ना, कॉकटेल वगैरह तो मैंने आपको दिखाए कोई नहीं, लव बर्ड भी नहीं दिखाए, कॉकटेल भी नहीं दिखाए और हमारे बजेस भी नहीं दिखाए। तो यार मुझे लगता है इनकी ना डाइट जो है ना वो खत्म हुई है। हाँ जी बिल्कुल खत्म हुई है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं खाते, बाजरा वगैरह नहीं खाते है। चलो तो ये इनको डाल देते हैं, आहा हा खाओ खाओ यशी करो। अभी हम ना इनको डाल देते हैं इनकी डाइट। चलो भाई बॉक्स ऊपर हो जाओ, इसमें आगे भी कुछ पड़ा हुआ है, ये कप किसने रखा हुआ है? यार मेरा ख्याल है ये समी के कारनामे है, कोई बात नहीं ये भी अच्छी बात है। ये डाल देते हैं इनको कॉकटेल्स को। चलो आ जाओ यार खाओ, आ जाओ आ जाओ। और ये इनका भी देख लेते हैं, इनका भी है या नहीं है, बजीज का, बजीज का भी कोई नहीं, इधर रखो इधर रखो इधर, यार इनका भी कोई नहीं, इनको भी डाल देते हैं थोड़ा सा ना। ठीक है लव बर्ड का मैंने कल चेंज किया था तो अभी इसको रख देते हैं ऐसे अंदर, ये भी खाएं। चलो जी यार हमारे लव बर्ड ने पता नहीं अंडा वंडा दिया कि नहीं, अभी देख लेते हैं, बाहर निकलो ये, पता नहीं ये क्या करते हैं यार, अंडा ही नहीं दे रहे। अब कुछ चीज नजर आई है या नहीं मुझे भी नहीं आ रही, कोई अंडा वंडा नहीं पड़ा, ये एनी टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना और मेरा भी है। इधर इधर है इनकी डाइट और इनके भी है। तो यार ये इधर रख दे इधर रख दे। तो यार माशाल्लाह ना हमारे लव बर्ड्स भी ठीक हैं और हमारे एग्जीबिशंस भी ठीक हैं, कुकू और क्वीन भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे हेल्दी एक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर भी सारे खुले हुए हैं, ये वाले केज के भी सारे और ये वाले भी सारे खुले हुए हैं। अभी मैं इनके पास थोड़ी देर बैठता हूँ, ये डाइट शीट खा लें अच्छे से, फिर इनको हम इंशाल्लाह बंद करेंगे। एक चीज़ नोट की है, हमारा जो शेराजी वाला कबूतर है ना उसने भी पालक खाई है थोड़ी थोड़ी। तो खैर वो बबलू और बबली असील वालों को सबको मैंने पालक शालक खिला दिया, चिंकी मिंकी ने भी खा लिया पालक, और जितने भी वो वाले परिंदे थे वो जो थे उस केज में फ्लफी और देसी मुर्गी उन सबको खिला दिया, रैबिट्स ने भी खाना शाना खा लिया अपना जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब थी बारी इनकी, इनको पालक डालनी थी, पालक खाई है इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, पालक खा रहे हैं अभी। तो जैसे ये पालक शालक खा लेंगे फिर इंशाल्लाह हम इनको भी बंद कर देंगे। तो यार ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह कल एक अच्छी वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मेरे लिए भी दुआ कर दीजिएगा, अपने साथ साथ जितने करीबी लोग हैं सबके लिए दुआ कर दिया करें, पता नहीं किसकी दुआ कब लग जाए। और यार जल्दी से ना ज़रा अच्छा सा काम करो, एक वॉच टाइम थोड़ा सा रह गया वो भी ज़रा पूरा हो जाए ना, फिर इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आने वाला यार इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।